हफ्ते में बस एक बार लगा लीजिए, 35 की उम्र में भी 18 साल के बच्चे दिखोगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने चेहरे पर पड़ी झुर्रियों को खत्म कर सकते हैं। गाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि कम एज के अंदर ही आपके फेस पर काफ़ी सारी झुर्रियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी एज देखने में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। काफ़ी लोगों के मुकाबले जिनकी एज आपके समान होती है, उनके मुकाबले आपका फेस देखने में ज़्यादा बूढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि आपके चेहरे पर जो स्किन होती है वो लटकनी शुरू हो जाती है। ये गाइज बहुत ही बड़ी समस्या है। कम एज वालों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और गाइज, जिन लोगों की एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उनके चेहरे पर झुर्रियां होना स्वाभाविक बात है, लेकिन कम एज के अंदर अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा कारगर नुस्खा बनाएंगे जिसके मात्र कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से कम दिनों में ही आप अपने चेहरे की झुर्रियां मिटा सकते हैं, अपने चेहरे के काले दाग धब्बे मिटा सकते हैं और अपने चेहरे को बहुत जवान बना सकते हैं। इससे गाइज आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे और आपकी एज बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देने लगी। सो गाइज बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड देखेंगे। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गाइज 3-4 चीज़ों की मदद से हम इसे बनाने वाले हैं, जिसमें पहली है गाइज बेसन। आपको सिंपली करना है कि एक साफ कटोरी में 1 चम्मच के बराबर बेसन आपको ऐड कर लेना है। अच्छी क्वालिटी का बेसन आपको ऐड करना है। ये देखिए गाइज 1 चम्मच बेसन आप एक साफ कटोरी में ऐड कर लीजिए। गाइज बेसन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ जो आपको ऐड करनी है वह गाइज मुल्तानी मिट्टी। आपको 1 चम्मच के बराबर मुल्तानी मिट्टी भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को टाइट करेगी, आपकी स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ होती हैं उन्हें रिमूव करेगी, आपकी स्किन को टाइट करके आपकी स्किन को जवान बनाएगी। गाइज तीसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइज हल्दी। अगर आपके चेहरे पर किसी भी तरह के काले दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो आप चुटकी भर हल्दी इसके अंदर ऐड कर लीजिए। ये आपकी स्किन को एक्स्ट्रा फायदा पहुँचाएगी, दाग धब्बे रिमूव करेगी। ये देखिए गाइज इतनी हल्दी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब गाइज चौथी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइज एक नींबू का रस आपको इसके अंदर ऐड करना है। लगभग एक नींबू कुछ इस तरीके से ले लिए जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उसका रस इसके अंदर ऐड कर दीजिए। गाइज नींबू आपकी स्किन के ऊपर से पोर्स को ओपन करेगा, जिससे आपकी स्किन के पोर्स ओपन होने के बाद आपकी स्किन के अंदर हवा अच्छे तरीके से जा पाएगी, जिससे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होगी। नींबू आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है दोस्तों। आपकी स्किन के ऊपर से डर्ट पोल्यूशन को रिमूव करता है, जिससे आपकी स्किन की जितनी प्रॉब्लम होती है होनी बंद हो जाती हैं। अब गाइज इसको हमने बना लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए हमें इसके अंदर गुलाब जल को ऐड करना है। ये देखिए गाइज सिंपली आपको करना है कि रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड कर लेना है, इतना वो ऐड करना है जिससे इसका एक पतला पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए गाइज अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको इसके पतला पेस्ट बना लें। पेस्ट कुछ इतना गाढ़ा होना चाहिए जिससे आप अपने फेस पर, पूरे फेस पर आसानी से अप्लाई कर पाएं। ये देखिए गाइज कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा जब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि ये आपके फेस पर अप्लाई करने लायक बन जाए। ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, थिकनेस इसकी इतनी ही रखनी है जैसे कि मैंने रखी है। देखिए गाइज और जब ये गाइज तैयार हो जाए तो आपको सिंपली करना है कि कुछ इस तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इसको अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। और गाइज 15 से 20 मिनट तक आपको इसको अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। इतने टाइम तक लगा रहने देना है कि आपके चेहरे पर ये अच्छे तरीके से बिल्कुल सूख जाए। और गाइज जब ये सूख जाएगा तो आपको अपने फेस को किसी फेस वॉश के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है। गाइज यही प्रक्रिया आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन करेंगे, मतलब हफ्ते में 3 या 4 बार करेंगे, तो आपके चेहरे की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, दाग धब्बों की या फिर आपकी झुर्रियां हो जाने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आपका फेस देखने में बहुत ही ज़्यादा जवान दिखाई देने लगेगा। गाइज ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही नेचुरल नुस्खा है। अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन पर दाग धब्बे झुर्रियां हो जाती हैं, आपकी स्किन देखने में गंदी दिखाई देती है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा, आपकी एज को भी कम दिखाएगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाई देने लगेगी। सो गाइज अगर आपके फेस पर भी झुर्रियां हैं, आपकी एज देखने में ज़्यादा दिखाई देने लगी है, आप अपने फेस को जवान टाइट बनाना चाहते हैं, तो आप इन वीडियो जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।